हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम डाटाबेस बनाएंगे, उसका यूज करके हम उसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उस जो टेबल को हम बना चुके हैं, उस टेबल में हम कैसे वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे, और सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम देखेंगे कि किस तरह से हम वैल्यूज को रिट्रीव करते हैं, यानी और डाटाबेस के अंदर जो टेबल है या डाटाबेस के अंदर से हम डाटा को किस तरह बाहर निकालेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, इसके लिए हमने एसक्यूएल सर्वर 2008 यूज किया है डाटाबेस बनाने के लिए। तो देखो, जब हम टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में सिंपली हम लिख सकते हैं, द इंसर्ट इन टू स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन ए टेबल, यानी एक टेबल्स के अंदर एक रो को इंसर्ट करने के लिए, एक रिकॉर्ड को, रोज में रो मीनिंग्स रिकॉर्ड, यानी एक रो के अंदर हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इन टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सिंटेक्स की बात करें तो सिंपली हम लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम, और बाद में हमें लिखना पड़ेगा वैल्यूज। समझ में आई बात? इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम, उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम लिखेंगे वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने यहां पे हमने टेबल के अंदर कॉलम बनाए, यहां पे देखो हमारे पास है 3 कॉलम, और जब हमने टेबल बनाया था तो वहां पे हमने देखे थे लास्ट वीडियो में जो हमने टेबल बनाया था उसमें थे हमारे पास 5 कॉलम। अब यहां पे हम सिर्फ 3 वैल्यूज एंटर करेंगे तो हमारी जो क्वेरीज है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वहां पे एरर आएगी। एरर क्यों आएगा? क्योंकि टेबल के अंदर कॉलम है 5 और हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं 3। ओके, तो वो वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करे क्योंकि टेबल का जो डेफिनेशन है उसके साथ ये जो वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं वो मैच नहीं कर रही है, राइट? सेकंड चीज आपने ध्यान देनी है, ये जो वैल्यू वन, वैल्यू टू और वैल्यू थ्री है, ये उसी ऑर्डर में इंसर्ट करनी है जिस ऑर्डर में आपने टेबल को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा है एम्प्लॉई आई डी, फिर फर्स्ट नेम और फिर हमने लिखा है लास्ट नेम। ठीक है, तो जब हम मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को एंटर करते हैं तब हम सिंपली लिख सकते हैं 1, 4, 400, 600, कुछ भी, और जब हमें वेरकैल स्ट्रिंग टाइप या कोई नेम लिखना हो तो उसको हम डबल कॉमास में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में, और उसके अंदर वैल्यूज को लिखते हैं हम। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमने डाटा टाइप वेरकैल लिया है तो उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, और डाटा टाइप अगर हमने न्यूमेरिकल यानी इंट लिया है तो उसमें हम कोई नाम नहीं लिख सकते हैं, वेर कैर के डाटा टाइप की वैल्यू को हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप टेबल्स के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करें तो वो उसी ऑर्डर में हो वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोल नंबर के नीचे नेम लिख दिया और नेम के नीचे क्लास लिख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? आप देखो, एग्जाम्पल की बात करें तो हमने जो टेबल बनाया था उसका नाम था एम्प्लॉई, तो सिंपली हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल नेम की जगह एम्प्लॉई, फिर वैल्यूज, और यहाँ पे हमने लिखा है 3XYZABC इंडिया और मुंबई, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम के बनाए थे टेबल में, टेबल में हमने कॉलम बनाए थे एम्प्लॉई ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड देन सिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल को देख ले। ये देखो, ये हमारे पास लास्ट वीडियो में जो टेबल बनाया था वो IDs है यहाँ पे, और सॉरी कॉलम नेम है एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। अब ये खाली है बिल्कुल, इसके अंदर हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, और फिर इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। देखो, वन रोज इफेक्टेड दिख रही है, यानी यहां पे हमने क्या किया है, एक रिकॉर्ड को
सबमिट कर दिया। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये वैल्यूज आ गई। एम्प्लॉय आईडी 1, फर्स्ट नेम एक्स वाई जेड, लास्ट नेम एबीसी, एड्रेस इंडिया और मुंबई, ये हमने लिखा था ऊपर, ये देखो ये लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। अब इन वैल्यूज को हम फिर से डिलीट करना चाहें या इंसर्ट करना चाहें तो हम जैसे इसको फिर से क्लिक करेंगे, तीन बार क्लिक किया तो यहाँ पे थ्री रोज अफेक्ट हो जाएगी, देखो 1, 2 और 3, तो टोटल हमारे पास चार रिकॉर्ड होगी क्योंकि इसको हमने पहले फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया था, फिर अभी तीन रोज हमने एग्जीक्यूट करी तो तीन रोज को ये और ऐड कर देगा, तो हमारे पास टोटल 4 रोज हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से हम इसको देख सकते हैं, ये देखो 4 रोज होगी हमारे पास, ओके। और फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो रिपीटेड है क्योंकि हमने उसको डाला ही 2 बार था, ठीक, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम डाटाबेस या टेबल के अंदर से वैल्यूज को निकालने के लिए, ठीक है। वैल्यूज को कैसे हमने बाहर निकालना है, कर दो बंद, कैसे बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखो द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस। आइडियल अलार्म बंद कर दो, ओके। सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव यानी बाहर निकालने के लिए। तो देखो फर्स्ट सिंटैक्स है सिलेक्ट सिलेक्टेड कॉलम्स। जब हम अपने हिसाब से, जैसे हमारे पास 5 कॉलम है ना, अगर हम एक या 2 कॉलम को रिट्रीव करना चाहें तो उसके लिए हम सिलेक्टेड कॉलम्स का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड कॉलम का नाम लिख सकते हो, तो यहां पे हम लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम द टेबल नेम, ठीक है। सिलेक्ट लिख दिया, फिर उन कॉलम्स के नाम जिनका डाटा हमें रिट्रीव करना है, और लास्ट में हमें लिखना है टेबल का नाम, जैसे फ्रॉम टेबल नेम, ओके। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहां पे लिखा है जैसे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो ये क्या करेगा, सिर्फ हमारे पास 5 कॉलम थे तो ये सिर्फ 2 ही कॉलम को रिट्रीव करेगा, एम्प्लॉय आईडी और लास्ट नेम को, ठीक है। जब हमें चाहिए कि हमें सारा रिकॉर्ड यानी जितने भी कॉलम है उन सबका डाटा हमें रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम स्टार लिखते हैं, ठीक है। जैसे सिंटैक्स है ये सिलेक्ट ऑल कॉलम, तो सारे कॉलम्स को रिट्रीव करने के लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम, तो सिंपली सिलेक्ट वैसे आ जाएगा, स्टार वैसे ही, फ्रॉम और टेबल नेम की जगह हम टेबल नेम लिखेंगे एम्प्लॉय, ठीक है। ये वैसे मैं आपको दिखा भी चुका हूँ क्योंकि ये वैल्यूज तभी निकली थी बाहर जब हमने इसको रिट्रीव किया था। देखो यहाँ पे देखो ये सारा दिख रहा है ना आपको रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एम्प्लॉय आई डी लास्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आई डी और लास्ट नेम आ रहा है, सिंपली दिख रहा है ना एम्प्लॉय आई डी और लास्ट नेम। जब हमें सारा रिकॉर्ड निकालना है, सारे कॉलम का डाटा निकालना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सब एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम, मतलब 5 के 5 कॉलम आपको यहाँ पे शो हो रहे जो भी हमने लिखी है, राइट, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्ट यानी डाटा को हमें कैसे बाहर निकालना है। अभी हम देखेंगे अपडेट स्टेटमेंट। अब देखिए यहां पर लिखा है सिलेक्ट अपडेट स्टेटमेंट, इसका यूज करेंगे हम टेबल्स के डाटा को अपडेट करने के लिए, चाहे सारे कॉलम चेंज कर दो चाहे एक आधे, जो भी आपको चेंज करना है अपने हिसाब से आप उनको चेंज कर सकते हो। सो द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल, यानी टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया हुआ है उसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। तो देखो ये अपडेट, फिर टेबल नेम आएगा और यहाँ पे हम यूज करेंगे सेट, समझ में आई, अपडेट टेबल नेम, यानी हमें टेबल को, जिस टेबल को हमें अपडेट करना है, अपडेट के बाद उसका नाम लिखेंगे, फिर सेट लिखेंगे। सेट का मतलब जैसे कॉलम 1 = value 1, यानी कोई भी कॉलम का नाम लिखा और उसमें हमने वैल्यू दे दी, फिर कॉलम 2 फिर उसमें और वैल्यू दे दी, यानी 5 कॉलम है, 5 ही चेंज करना चाहते हो तो आप मतलब 5 कॉलम्स के नाम लिखो और उनके आगे वैल्यूज को डाल दो, एक आधा करना है तो उसका भी आप मतलब नाम लिखो और वैल्यूज डाल दो।
और लास्ट में वेयर कंडीशन लिखनी है, ठीक है? वेयर कंडीशन नहीं लिखेंगे तो ये सब जगह उसको अपडेट कर देगा। ओके, एग्जाम्पल में देखिए, अपडेट्स, एम्प्लॉय हमारे टेबल का नाम है, फिर सेट, और यहाँ पे लिखे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू के एस, फर्स्ट नेम की जगह के एस लिखना है, सिटी पुणे, और वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। ये तो चलो एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे मैंने कुछ और तरह से लिखा। आप देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने टेबल जो मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या था हमारे पास, 1, 2, 3, दिनेश, राजेश और आरव, ओके यही था। और यहाँ पे हमने राजेश और आरव लिखा और एक्स वाई जेड जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक को हम डिलीट कर देते हैं, ओके, एम्प्लॉय आईडी 1 को हम डिलीट करेंगे पहले, फिर उसके बाद फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो हमारे पास सिंपली 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और इस आईडी को हमें फिर से, मतलब मैं प्रॉपर वे में दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे हम चीज़ों को अपडेट करेंगे। अब देखो सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिनेश कुमार, राजेश राणा, आरव मेहरा, ये सब लिखा हुआ है, और यहाँ पे सब कुछ ठीक है, पर जो एक्स वाई जेड वाला ये जो रिकॉर्ड है ये गलत है, तो इसको हमें वैसे ही अपडेट करना है जैसे हम चाहते हैं। ओके, तो ये है एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट। देखो सिंपली हमने लिखा हुआ है यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय सेट, फर्स्ट नेम एक्स वाई जेड है, उसकी जगह हम चाहते हैं कि दिनेश आए, लास्ट नेम एबीसी लिखा हुआ है, उसकी जगह हम चाहते हैं कुमार आए, एड्रेस में इंडिया लिखा हुआ है, उसकी जगह हम चाहते हैं कि रंगस आ जाए, और सिटी लिखी है मुंबई, उसकी जगह हम चाहते हैं हमीरपुर आ जाए। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है? वेयर कंडीशन मतलब जहां पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1 है, तो ये सिर्फ इसी का रिकॉर्ड इंसर्ट चेंज करेगा, ठीक है? अगर हम इस कंडीशन को नहीं लिखेंगे तो ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ना सारे के सारे रिप्लेस हो जाएगा डाटा सेम तरीके से, ठीक है? तो ये देखो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर एग्जीक्यूट किया। अभी पहले हमारे पास आ रहा था एक्स वाई जेड, राइट? अब देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो आ गया 1, दिनेश कुमार, रंगस और हमीरपुर, यानी जो हम चाहते थे वही आ रहा है, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे डिलीट स्टेटमेंट। ओके, और डिलीट भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो एक स्पेसिफिक रोज को आप डिलीट कर दो, या फिर सारा का सारा आप टेबल ही डिलीट कर दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिंटेक्स है इसका डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है? अब देखो वेयर कंडीशन लिखी है तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 लिखा था तो वो सिर्फ एम्प्लॉय जो फर्स्ट है उसी को डिलीट करेगा, ठीक है? एम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 है उसी रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास डिलीट फॉर एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, यानी जहां पे एम्प्लॉय आईडी 1 है सिर्फ उसी को डिलीट करना है, और ये मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, ठीक है? जब हमें सारा रिकॉर्ड डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं, पहले तो डेफिनेशन देखो थोड़ी सी, इट इज पॉसिबल टू डिलीट ऑल रो इन अ टेबल विदाउट डिलीटिंग अ टेबल, यानी हम सिंपली टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे ना कि टेबल्स को डिलीट करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेयर कंडीशन लगी है तो सिर्फ एक रिकॉर्ड को डिलीट करेगा जो भी कंडीशन आपने रखी है, जैसे एम्प्लॉय आईडी 2 लिखा होगा तो 2 डिलीट करेगा, 3 लिखा होगा तो 3 को डिलीट करेगा, पर जब आप वेयर कंडीशन ही रखोगे तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड वो है डिलीट कर देगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ओके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉय आई डी 1, ओके 1 रो इफेक्टेड। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो सिर्फ 2 रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं, ओके। और अगर हम इसकी जगह जैसे हम लिख दें 3, अब देखो 3 लिखा है तो यहाँ पे 1 ही रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है? अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड है तो सिंपली हमने क्या करना है, एक बार फिर से आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इंसर्ट वाली स्टेटमेंट को उठाए, तीनों स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट की,
एक हमारे पास पड़ी हुई है, तीन हम और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सिंपली क्या होगा कि यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे, चार रिकॉर्ड हो जाएंगे। ये देखो आगे चार रिकॉर्ड, एक्स वाई जेड भी आ गया, राजेश राणा दो बार आ गया, है ना, दिख रहा है ना, क्योंकि एक बार तो पहले ही था और एक बार हमने यहाँ भी इंसर्ट कर दिया तो दो बार आ गया, और यही बचा था। अब हम आपको दिखाएंगे, जैसे फिर से हम थ्री को डिलीट कर दें जहां पे एम्प्लॉई आईडी थ्री है, ओके, तो थ्री को डिलीट किया, फिर उसके आप फिर से चेक करेंगे तो ये हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया। अब जब हम वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे देखो ये वेयर कंडीशन हमने हटा दी, तो ये सारे डाटा डिलीट कर देगा यहाँ से। ये देखो जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा डिलीट, और आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिखेंगे, कॉलम नेम दिखेंगे, क्या दिखेंगे, कॉलम नेम। ये देखो ये आ गए, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप वैल्यूज को इंसर्ट करोगे, फिर उनको रिट्रीव करोगे। ये देखो सारे कॉलम, ये आ गए आपके सेलेक्टेड कॉलम, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे फिर से आपने ये सबको रिट्रीव किया, अब इसको हम एक बार फिर से अपडेट कर दे रहे हैं एक्स वाई जेड को, ओके। ये क्लिक किया, फिर ऊपर आगे हम यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ये देखो अपडेट हो गया। फिर यहाँ से हमने देखा कि कैसे रिकॉर्ड को हम डिलीट करेंगे, तो जैसे रिकॉर्ड नंबर थ्री यहाँ से डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड बचेंगे, टू रिकॉर्ड बचेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम सारे के सारे टेबल को ही डिलीट कर सकते हैं, ओके, दिख गया। और फिर से हम वैल्यूज को इंसर्ट करें, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ड्रॉप टेबल क्या करता है। ड्रॉप टेबल क्या करता है, सिंपली जो हमारे पास टेबल है ना उसको डिलीट कर देता है, ओके, टेबल के डाटा को नहीं। ये देखो ये एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, ये सब दिख रहा है, और यहाँ पे भी देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, डीबी डॉट एम्प्लॉई, ये टेबल बनाया हुआ हमने, ठीक है। ये रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो रिफ्रेश किया, देखो ये बना हुआ है, एम्प्लॉई इन्फो बना हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर ये टेबल बना हुआ डीबी डॉट एम्प्लॉई। अब हम टेबल को डिलीट करेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई करेंगे तो सिर्फ उसका डाटा डिलीट होगा, टेबल वैसे रहेगा, पर जब हमें टेबल को भी डिलीट करना होगा तो उसकी जगह हम एग्जीक्यूट करते हैं ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। यहाँ पे क्लिक किया, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, देखो कोई टेबल नहीं है, ठीक है। क्वेरीज तो हमने ऊपर लिखी हुई है, तो फिर से उसको एग्जीक्यूट कर दो, टेबल फिर से आ जाएगा। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये आपका टेबल आ गया, यहाँ से आपने डाटा को इंसर्ट कर दिया और यहाँ से आपने डाटा को रिट्रीव कर दिया। ये देखो वेरी सिंपल, और ये अपडेट कर दिया, ये अपडेट कर दिया, ओके, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेरीज है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।